रेबन के शेड्स, यू आर एक्टिंग की रामा हंडी छोरा हंडी हंडी काम करूंगा, काम के लिए मां बाबू का नाम करूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहां पे भैया शेर खान आ गया है घर पे, और सुबह उठते जो इसने शैतानी की है, रात को सोने नहीं दिया, तो भाई यहां से पता लगता है कि पायल कितने दिन से नहीं सोए होंगे, क्योंकि ये जो लड़का है बहुत ही ज्यादा चालाक और शैतान लड़का है। यहां पे तो एक है, वहां पे तो फिर भी तीन है। तो भाई यहां पर ये जो मुंडा है यहां जा रहा अभी घूमने के लिए, और मैंने क्या किया, मेरे जो दोनों कानों की बालियां थी मैंने इसके दोनों कानों में डाल दी, और ये मुझे वापस नहीं दे रहा। नहीं दूंगा पापा मैं अब। ये तू रखेगा? हाँ जी। अच्छी है। क्या कह रहा है ये तंग हो रहा है, ये कह रहा है मुझे नानी के घर ले चलो। मैंने कहा नानी को बुलाती होगा, नानी की तबीयत ठीक नहीं होगी तो हम चलेंगे। दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है तू आयान के बिना दिल नहीं लग रहा है। हाँ भाई, बच्चों के साथ रहने की आदत है ना, अकेले मन नहीं लग रहा। ये इसको हो रहा है मुझे नीचे छोड़ दे। काम है मम्मी को, दो चार पाँच दस दिन बीस पच्चीस दिन यही रहेगा। मेरी है एक महीने की। अच्छा, एक तो आज की है, उसके बाद कल की, उसके बाद शिवरात्रि की। तो भाई यहाँ पे चल रही है भाई हमारी दोपहर के लंच की तैयारी, तो यहाँ पे हमने दाल बॉईल कर लिया। तो लक्ष्य दीदी दाल ना थोड़ी कम लग रही है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जितनी दाल है उतनी बना लेते हैं, बात की बात नहीं देखी। तो यहाँ पे ना जैद की जो खिचड़ी बन गई है, उस खिचड़ी में सिर्फ और सिर्फ टमाटर है, और मैंने यहाँ पे भी ना बाकी टमाटर ना चॉप करके रख दिए। तो बस अभी लक्ष्य लगा देगी जब तक दाल में तड़का, तो मैं खिलाती हूँ जैद को खाना, ठीक है। तो भाई जैद की भी ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको अभी भी लूज चूस हो रहा है, अयान और तूबा दोनों को हो रहा है, शायद ना टीथिंग की वजह से हो रहा है। मुँह पे लगी ऐसे इतनी तेज झपट्टा मारता है, मुँह पे लगी बेटी। जाओ जाओ, वेरी गुड। नहीं मारती नहीं, नहीं 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 बात सुनो। तो अभी ना हमने ना बहुत सारा सामान ऑर्डर करा है मैंने ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे सामान ना बहुत सारा ऐसा है कि जो अवेलेबल नहीं था। बच्चों के साथ ना देखो हर एक चीज़ सही होती है, हींग ऑर्डर करिए, गाजर मटर और भी बहुत सारा सामान करा है। तो सबसे पहले मैंने इसके आती देखी, इसकी नेल्स कटी नहीं, मैंने इसके लिए मंगाया नेल कटर फॉर यू, ठीक है, नेल्स कट ले कट करने आपकी, ओके। मैंने इसके लिए बनाना मंगवाया क्योंकि इसको लूज फूज हो रहे हैं ना, और साथ में दही मंगवाया, छोटा ही दही मंगवाया था, ज़्यादा बड़ा दही क्योंकि ऑलरेडी दही रखा हुआ था, जब पुराना दही हम खा लेंगे फ्रेश इसको दे दूंगी। यार हमने हींग मंगवाई थी, हींग का है नहीं, हींग का है, हींग लगते पैकेट के अंदर है, पैकेट के अंदर है। हाँ, तो मैंने इसके लिए ना ऑर्गेनिक, नहीं नहीं ऑर्गेनिक हींग भी मंगवाई थी, बाथरूम के लिए ओडोनिल मंगवाया है, बड़ा सामान मंगवाया है, अब कपड़े धोऊंगी, कपड़े धोने के लिए कम्फर्ट मंगवाया है, ये दाग धब्बों के लिए वैनिश मंगवाया क्योंकि इसके कपड़े इतने दाग वाले होते हैं। अभी मैंने जैद की पजामियाँ धोई थी और इतनी मुश्किल हुई धोने में। बच्चों के लिए सामान मंगवाया है, बीन्स गाजर, यार सारा सामान तो आ गया। लक्ष्मी जो और भी सामान लेके आने, शाम को मार्केट दलिया भी आ गया, ठीक है जी। बहुत अच्छा लग रहा है, वॉकर में घूमी घूमी करना चाहिए। कहाँ सेंटा क्लॉज बनी हुई थी, कहाँ सेंटा क्लॉज बन रही है। तो गाइस इतना शरारती हो गया ना, ये इतना शरारती हो गया, धड़ाधड़ थप्पड़ मारता है, मैंने इसके लिए टीवी चला दिया। तो भाई यहाँ पे जैद हमारा नहा धो के हो गया रेडी, रेडी होने के बाद सो गया था, अभी उठा लड़का मेरा, क्या आपके हाथ में क्या नाम है इसका, पता है आपको नाम नहीं पता? तो भाई गोलू बना रही है खाना, क्योंकि यहाँ पे नैनी नहीं है, गोलू को सारा काम खुद करना पड़ेगा यहाँ पे। मम्मा यहाँ पे सो नहीं पाएगी बेटा, मम्मा को बोलो चुपचाप चंडीगढ़ चलो, जब काम हो तो वापस आ जाना, ठीक है, बोल दूँ मम्मा को। तो जैद अभी क्या कर रहा था, बार बार ना मेरे गोगल को छेड़ रहा था, तो मैंने बोला नहीं चश्मा नहीं छेड़ना भाई, चश्मा नहीं छेड़ना, जब बड़ा हो जाएगा तेरे को दे दूंगा ये वाला चश्मा, ठीक है। मैं अभी गोलू कहीं जा रही है क्या तू? मैं तो कहीं नहीं जा रही कहीं पर भी, उसका जैद का खाना बना रही थी। तो गोलू भाई कह रही है मुझे अभी जाना है क्रॉकरी लेने, कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ सामान लाने की क्या जरूरत है, मम्मी घर जा वहाँ बनवा खा है। मेरे को ना दो वो सामान लेना है, जैसे ना यहाँ पे बर्तन धोने वाली एक टोकरी नहीं है, और दो चार चीजें है, जैसे चिमटा नहीं है रोटी बनाने का, तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है, छोटा कुकर नहीं है, बड़े कुकर के अंदर इसकी इतनी सी खिचड़ी बनाई है, पहले उसमें दाल रखी थी उसको धोया, फिर उसको धो के कुकर में चढ़ाया बेटा, नहीं। तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट आ रहे थे, मुझे लगता है गोलू सेपरेट हो गई है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसी सोच मत रखा करो, बहुत ज़रूरी काम होते हैं जिसके लिए इंसान यहाँ रुका हुआ है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर काम ब्लॉग में बताया जाए, नहाते हैं धोते हैं, ये थोड़ी कि हम हर जगह कैमरा ऑन रखते हैं, तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्या बोलती है? बिल्कुल सही बात है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो बस जरूरी काम है, जैसे ही खत्म होगा वापस चलेंगे घर, क्योंकि ये भी मेरा घर है वो भी मेरा घर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है जैद को खेलने की, क्योंकि मैं इसको सोफे पैक कर देती हूँ और इसको सामान देती हूँ ना, ये नीचे फेंकता है। अब मैंने क्या किया, इसको ना नीचे ना मैट बिछा के छोड़ दिया, पर यहाँ पे हमारे जो कोने ना बड़े तीखे हैं, तो आज इसके लिए ना मैं इसका भी कुछ लेकर आऊंगी। उन्हें गुड्डू देख रहे हो, देख रहे हो लड़के को, गलत बात है, देखो सारी चीजें तोड़ रहा है बेटा, एक ही चॉपर है मम्मी के पास, फिर प्याज कैसे चॉप करेंगे, टमाटर कैसे चॉप करेंगे, नो नहीं दूंगी। तो जैद यहाँ पे मम्मा के साथ बैठ के मम पी रहा है मम, ठीक है, अच्छा लग रहा है इसको ना यहाँ पे जमीन में लेटना, बस मेरे को एक दिक्कत हो रही है जमीन पे ना, मैं सोच रही हूँ कि मोटा वाला जो गद्दा है ना वो बिछा दूँ,
क्योंकि क्या ना बच्चे का सर ना नीचे लग जाए, है ना बेटा, टेंशन होती है ना कि आपको हाई ना हो जाए। और गाइस मेरे पीछे के जो कोने हैं ना वो इतने शार्प है ना, ये बहुत ज्यादा शार्प है, तो मेरे को ना आज जाना है फर्स्ट क्राई और जाकर ना इनके जो कॉर्नर के जो एजेस होते हैं ना वो लेकर आऊंगी। कहा हो आपको याद आ रही है अनु की याद आ रही है, अनु भाई की याद आ रही है, भाई तुबु की याद आ रही है आपको, मम्मा को भी आ रही है। तो जैद घर पर होता है ना टेंशन नहीं होती क्योंकि अयान तुबु होते हैं आंटी होती देखने के लिए ना, तो अभी क्या ना मैं एक सेकंड के लिए भी इसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि को डर लगा रहता है कि कभी कहीं ना लग जाए, कभी कहीं ना लग जाए। अभी बस देखो व्लॉगिंग कर रही हूँ और इतनी देर के अंदर ये खड़ा हो गया। तो भाई मैंने जैद की पजामियाँ धो दी थी, यहाँ पर सुखाई है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि अंदर की जो रस्सी है ना उसमें ऑलरेडी कपड़े सूख रहे थे, तो इसकी पजामियाँ सूख चुकी है। तो मैंने सोचा इस काम करते थोड़ी देर इसको बालकनी में ले आती हूँ, इसको अच्छा लगेगा फ्रेश एयर में। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देखो सामने बर्च, बर्च का है बर्च। जैद नो बेटा लग जाएगी, छोड़ो उसे, नहीं बेटा हैंडलूम में लग जाएगी आपके, हैंडलूम में क्या करती रहती हो आप। तो ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि मैं अयान का और तुबा का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहती, तो ऐसे देखो कोई भी बात नहीं है। और मैंने कहा था 20-25 दिन के लिए दिल्ली में हूँ, तो मैंने आपको एस्टिमेट बताया था, मैं क्या पता 10 दिन के लिए भी हूँ, क्या पता 15 दिन के लिए भी, क्या पता ज्यादा टाइम के लिए भी हूँ। तो जैसे जैद का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था ना वैसा सेम अयान और तूबा का बर्थडे भी सेलिब्रेट होगा, वो भी मेरे बच्चे हैं। और ऐसा नहीं होता कि मैं उधर रहूंगी तभी प्रिपरेशन होगी बर्थडे पार्टी की, नहीं, यहाँ पे रह के भी प्रिपरेशन हो सकती है। बेटा गिर जाएगा, लग जाएगी, सोने आप मम्मा की बात नहीं मानते ना, आप गोदी में नहीं आ रहे हो ना, आपको पता है ना आपको हाई हो जाएगी वहाँ पे, स्टॉपर लग जाएगा। इधर आओ, सुनो सुनो बात सुनो, जादू जय प्लीश गुड बॉय बन जाओ, मम्मा की बात सुना करो भाई। थैंक गॉड यहाँ पे टीवी है तो ये थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, नहीं तो ये बदमाश नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो कल रात को भी ना बहुत सारे मच्छर आ गए थे, तो हमारा तो ये सामने वाला गेट है ना इससे इतने सारे मच्छर आए थे ना, मैंने कल रात को यहाँ पे एक ऑल आउट और यहाँ पे एक ऑल आउट, दो ऑल आउट लगाए उसके बावजूद भी मच्छर आ गए। तो अभी क्या ना शाम के 6 बज गए, तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, मुझे मच्छर ना स्टार्ट हो गया काटना, मुझे बहुत जल्दी मच्छर काटते हैं, ऐसे जैद के साथ होता है। तो मैं सामने वाला जो गेट है ना मेन बाहर वाला वो कर देती हूँ बंद। तो हमारा जो वॉशरूम है ना, वॉशरूम की जो खिड़की है ना वो भी खुली हुई है, यहाँ पे कोई शीशा नहीं है, तो यहाँ पे भी शीशा लगवाना है या एग्जॉस्ट फैन लगवाऊंगी। तो भाई यहाँ पे टीकू भी घूम के आ गया, मजा आया स्नो वर्ल्ड में। सब ने बेटा बड़ी ज्यादा आपकी तारीफ करी, अभी आए ना सारे, तो जितने लोग भी थे ना सबने बहुत तारीफ करी आपकी, फुल घूमे, मतलब टीकू ने बिल्कुल तंग नहीं किया, कोई जिद नहीं करी, कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं लगा, नहीं लिया हमने, बोला भाभी हमने बोला लेके देते हैं, कितना नहीं लेना मैंने, समझदार बच्चा हो गया। तो भाई अभी चीकू के पापा जा रहे हैं जिम, तो चीकू पापा ने बोला कि गोलू सारा सामान भेज दे, तो हमने फटाफट ना चीकू पापा का पूरा लगेज पैक कर दिया जिम के सारे कपड़े। तो मैंने बोला काम करो सूरज भैया, आप थोड़ी देर जैद को बाहर ले जाओ क्योंकि पूरा दिन ना घर पे रहता है और सुकल रात से यहाँ पे, तो ये ना भागम दौड़ी करता है इधर उधर, रहन दे लक्ष्य कोई बात नहीं, ओए होए इसकी सॉक्स और गंदी कर दी, एक काम करूं ये अच्छा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा यार, ये करा दो ये पहना दे, हां सैंडल पहना दे, ऐसे गाड़ी में डाल देंगे, अरे मैं पहना देती हूं 2 मिनट लगेंगे। जैद तू पापा के पास जा रही हो भैया, बस थोड़ी देर आउटिंग हो जाएगी, इसको आना जाने करना है ठीक है, पर 10 मिनट का अगर काम हो ना तो 20 मिनट में आना, मेरे घर की साफ सफाई बहुत सारी बची है। बाय बेटा, बाय बाय बाय, चलो 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 चलो। तो यहाँ पे मैंने जैद की सारी जो बॉटल है ना, मेरे पास 2 ही बॉटल थी, 1 बॉटल तो मैंने उसके साथ में भेजी है, तो ये बॉटल मैं अभी कर देती हूँ बॉयल रखने के लिए, क्योंकि ना हम ज्यादा बॉटल लेके नहीं आए चंडीगढ़ से, सिर्फ 4 ही बॉटल थी, तो उसके साथ साथ 1 बॉटल अभी नहीं पड़ी है, वो मैंने पैक ही रखी है ये, और बाकी 2 बॉटल। आज ना बच्चों के लिए वेजिटेबल सूप बनना, गाइस पता है क्या हो गया, मैंने हींग मंगाई, तो मैंने सोचा मैं चंडीगढ़ में ना बच्चों को ना ऑर्गेनिक हींग देती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी ऑर्गेनिक मंगाती हूँ, तो ऑर्गेनिक जो हींग है ना वो बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा, तो इतनी सी डाली पूरी हींग होगी। अब अगली बार मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, आप लोग भी ध्यान रखना, अगर आप ऑर्गेनिक हींग यूज कर रहे हो ना तो वो बहुत कम क्वांटिटी में डालें, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज्यादा तीखा होता है। तो भाई पायल ने इतने सारे कपड़े भेजे ना, मेरे भी भेज दिए और जैद के भेजे, क्योंकि मैंने पायल को बोला था कि पायल मेरे ना यहाँ पे मेरे पास ना टॉप नहीं है, तो टॉप भी भेज दियो, तो पहले बहुत सारा सामान भेज दिया। मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ भी ना खोलूं, इन सामान को एज इट इज रख दूं, क्योंकि क्या अगर मैंने सामान लगाना स्टार्ट कर दिया ना तो मुझे हो जाएगी रात, और मेरे को अभी डिनर की तैयारी भी करनी है। तो अब जैद चला गया तो मेरे पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है पूरा घर साफ सफाई करने। गाइस ये हमारा लगेज रूम, ये लगेज रूम नहीं बालकनी है, मैंने बालकनी को लगेज बना दिया, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लगेज हो रहे हैं ना, एक चीकू का, लक्ष्य का, चीकू के पापा का, मेरा, एक जैद का। तो भाई यहाँ पे 5 लगेज हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और ये वाला जो बैग है ना ये बैग वो है जो मैंने पायल और मेरे लिए सूट्स लिए थे। तो ये वाला जो गद्दा ना ये हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो कल रात को मैंने गद्दा नीचे बिछाया था ताकि जैद नीचे ना गिरते, कभी सोचते होते। तो आज ना, आज तो नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, जगह ही नहीं मिल रही। ये वाली जो अलमारी है ये तो भाई चीकू के पापा की फुल हो रखी है, तो अभी इनमें से इनके कपड़े निकाल के अपने और जैद के लगाऊंगी इधर। तो भाई यहाँ पे आ गई है नानी मिलने के लिए, और नानी को आते ही मैंने ड्यूटी दे दी, मैंने कहा मम्मी आप इसके लिए खिचड़ी बना दो क्योंकि इसको ना तबीयत खराब है। तो मम्मी कह रही है गोलू तुमने जो उसको दोपहर को क्या दिया था, हमने हींग सूप दिया था ना, सूप में हींग डाली थी, तो वो मत डालो क्योंकि जब बच्चे को लूज मोशन होते हैं ना तो हींग ठीक नहीं होती। किसी ने काली मिर्च भी
मना किया लिखा हुआ है। काली मिर्च में तो नमक हल्दी बस। ठीक है ठीक है। ओह ताली, मेरी बात पसंद आ गई। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। तानिश की तबीयत पूछ लो। ठीक हूँ, मैं एक दिन बीमार थी। ओए होए, मरता ये कोई मारते नहीं है। कोई बात नो नहीं बेटा, कोई 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 कैसे तो नहीं करती है। पारी पारी गंदी बात होती है। मामा हब करेगी हब। तो आजकल ये नई चीज सीखता है। जैसे फैन का है, पंखा का है, तो जैसे बोल रहे पंखा बताता नहीं, पहले ऊपर देख रहा क्योंकि फैन चल रहा है ना। अभी फैन चलाया ना तो देख रहा है। पंखा का है, पंखा नहीं है। क्या कह रहे हैं? जैद जैद फैन का है। और अभी चीना हुआ है तो जा। वो चीना आई थी मिलने के लिए, चीना को बोलता जा। और चीना ने इसका कहना मान लिया और चीना चली गई। अब मैं जैदू का कहना नहीं मानूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। जैद आपको आ कह रहे जैद को जा। जैद देखो, जैद मासी ला रही। देखो तो वही अभी केशव आया, बोल रहा है कि भाभी मेरे ना कान में कुकर बज रहा है। मैंने कहा कुकर की तो सीटी बजी नहीं, कुकर की तो सीटी में बजी नहीं ना मेरा। वो शू शू नहीं हो रही थी। वो उसका उसका कहने का मतलब है सूरज भैया को कुकर बज रहा है। सूरज भैया के साथ एक बार भैया सिनेमैटिक टेक दिखाना था खराटो के। क्लोज टेक लेना भी, ऑडियंस डर जाएगी। अरे लेके आओ जल्दी, लेके आओ, बंदा कर दे जल्दी जाओ। तो ये लड़का रात को 3:30 बजे सोया, उसके बाद ये 6:30 बजे उठा है, फिर लक्ष्य ने इसको ओरस दिया, फिर ये 7:30 बजे उठा, फिर मैंने इसको देखा, उसके बाद ये फिर सो गया, फिर ये 11 बजे तक सोता रहा। तो इसको नींद नहीं आती, और दोपहर को भी 1 घंटा सोया ना ये। नहलाया धुलाया मैंने इसको, मैंने कहा चल अभी सो जाएगा। ये लड़का सिर्फ 1 घंटा खराटा है, ये खराटा कोई। इसको लेके चलो जैद को, जैद का रिएक्शन देखो। जैद को आ जा, डिफरेंट चीज दिखाऊंगा, जा भाभी डर जाएगा। मम्मी अपने खराटे से नहीं भैया सुन ली, कैसे थे? बहुत टेस्टी। इसको मत लेना, इसके जाना ये डर जाएगा। एक बार लेके तो जाती हूँ, रो देगा भाभी, ये पता है मेरे को। अरे एक बार लेके तो जाने दे, चलो लेके चलते हैं। या फिर सीटी के बाद कम होगी भाभी, नहीं पता चल रहा। चलो क्या कर रहे हैं आपने? मम्मी आपका फोन उठा के मारा नीचे, टेम्पर तोड़ दिया पूरा। ध्यान रखो फोन टूट जाएगा। हम तो फोन साइड रखते हैं। गलत बात है ना, गलत बात है ना, ऐसी आप हर चीज फेंकते हो। रॉन्ग ना, फोन की तरह वैसे बच्चे यही करते हैं, बच्चे करते हैं। फोन संभाल के रखो भाई, फोन जरूरी है ना। फोन बड़ा जरूरी है, जैद भी बड़ा जरूरी है। जैद तो जरूरी है, इसको थोड़ी पता है क्या फेंक रहा है। तो गाइस फाइनली मैं दोबारा आ गई हूँ बीबी ऑप्टिकल्स, मतलब विजन एंड ब्यूटी ऑप्टिकल्स, जो कि है पंजाबी बाग क्लब रोड में। अभी मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ से बहुत सारे शेड्स लिए थे, गुची के लिए थे और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे वर्सचे। तो मैंने ना जो ब्लैक कलर का शेड लिया था, जो आज मैंने पहना था, वो मैंने इंस्टाग्राम रील पे टैग भी करा है। तो जिन लोगों को भी ब्रांडेड सनग्लासेस चाहिए तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आपको सारी डिटेल्स दे देंगे और आप यहाँ पे आके बाय कर सकते हो। और साथ ही साथ ना अभी जो मेरा मेन मोटिव है ना, वो मैं आई हूँ पायल के लिए शेड्स देने के लिए, क्योंकि मैं ना पिंक के 2 शेड्स लेके गई थी, एक मैं लेके गई थी लाइट येलो, हाँ, और एक मैं लेके गई थी ब्लैक। तो जो ब्लैक है वो मेरे फेस के लिए ठीक है, क्योंकि मेरा फेस है थोड़ा बड़ा और पायल का फेस है थोड़ा छोटा। तो मैं पायल के लिए स्पेशली ना शेड्स पसंद करने आई हूँ। तो देखती हूँ अभी कौन कौन सी वैरायटी है। तो अभी कौन सा दिखा रहे हो आप मुझे? अभी मैं आपको सलवेट और फेरोगामा जिमी चू की सारी नई चीजें दिखा रहा हूँ। पायल को ना बहुत ज्यादा पसंद है कैट आई वाले। तो ये वाला जो शेड है ये बर्बरी का है ना, मैंने बर्बरी को उठाया। एक शेड मैंने और पसंद करा है, एक ब्रांड का शेड और पसंद करा है, मैं दिखाती हूँ। वो भी बहुत ज्यादा क्लासी और बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये वाला। तो ये कौन सा ब्रांड है? ये सिल्वर फेरोगामा, ये वाला वो ब्रांड है। तो मैं ये भी लगा के दिखा देती हूँ एक बार। तो अभी मैं 2-4 शेड्स पसंद कर रही हूँ, फिर मैं फाइनल करती हूँ। तो मुझे ये वाला तो भाई बहुत ज्यादा पसंद आया, इसके फेस पे बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो गाइस अभी तो मैंने देखो ये पसंद करे है, ये वाला शेड करा है, ये पराडा का है, ये बर्बरी का है, और ये वाला ब्रांड मुझे बोला नहीं जाता। जो नहीं आता देखो नहीं आता, वो मेरे को पता चल गया, पर वो ब्रांड वहाँ पे लिखा है सेल्वतोरो फेरोगामा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो गाइस पायल के साथ साथ ना जैद के लिए भी मैंने रेबैन के शेड्स लिए, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो मैं काम करती हूँ, लगा कर दिखाती हूँ। एक बार सूरज भी आपको फिराना पड़ेगा, मैंने इसकी रील भी बनाई है इंस्टाग्राम पे, जाके चेक करना। ये लगाना इसको शेड, और सच में बहुत प्यारे लग रहा है। छोटे शेड रेबैन के शेड, ये यू आर हैप्पी सो हैप्पी। भाई ये है पायल की गिफ्ट, बर्बरी पराडा और वही वाला ब्रांड, वही वाला ब्रांड, ठीक है, वही वाला। कौन सा ब्रांड? सेल्वतोरो फेरोगामा, ठीक है, ओके डन। तो गाइस रात के बज चुके हैं 1:42 और फाइनली जैद सो गया है।
तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सूरज भैया का फोन हमेशा पकड़ लेती हूँ क्योंकि सूरज भैया और मेरा सेम कवर है, ऑरेंज भैया का फोन रखा होता है ना तो मैं अपना फोन समझ लेती हूँ। तो बस इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जैसे जितनी बॉटल थी वो बॉयल करने लगा दी है, अब सो जाते क्योंकि ये लड़का 2 से 3 घंटे में पक्का उठेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन।